उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार ने मुख्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान डीजीपी विजय कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में ऑपरेशन नेत्र अपराधियों को पकड़ने में काफी कारगर है और इससे अपराधी आसानी से चिन्हित हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत प्रदेश के हर शहर में मुख्य चौराहे से लेकर प्रमुख बाजारों समेत धार्मिक स्थलों में जन सहयोग से सीसीटीवी लगाए गए। आपको बता दें कि इस अभियान की शुरुआत 10 जुलाई 2023 से हुई थी, जिसके तहत 7,18,510 कैमरे लग चुके हैं, जिन्हें बढ़ाकर जल्द ही 10 लाख किया जाएगा। इसके साथ ही डीजीपी ने बताया कि प्रदेश में अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 10 करोड़ 77 लाख कीमत की जमीन को इस कार्रवाई में जब्त किया गया है। लक्ष्य था, इसके साथ ही हम लोग जो और बड़ा अभियान चला रहे थे ऑपरेशन कन्विक्शन का, तो उसमें अभी तक 1 जुलाई 23 से अब तक जो अभियान है उसमें 12,015 प्रकरणों में 16,302 व्यक्तियों को सजा दिलाई जा चुके हैं। इसमें मृत्युदंड के अभियोग में 16 व्यक्तियों को, आजीवन कारावास 1,569 व्यक्तियों को, 284 व्यक्तियों को 20 वर्ष से अधिक का कारावास, 983 व्यक्तियों को 10 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक का कारावास और 1,553 व्यक्तियों को 5 वर्ष से 9 वर्ष तक का और 11,897 व्यक्तियों को 5 वर्ष से कम की सजा दिलाई गई। तो ये हम लोग इस ऑपरेशन कन्विक्शन से लोगों को ये